गया जिला के डुमरिया में एसएसपी 32वीं वाहिनी द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कैंप में ग्रामीणों को निशुल्क दवाइयां बांटी गई। गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड ग्राम पंचायत पनकरा के पंचायत भवन के प्रांगण में एसएसबी की 32वीं वाहिनी के ई कंपनी द्वारा सिविक एक्शन के तहत डिप्टी कमांडेंट जय प्रकाश आर्या, सहायक कमांडेंट आयुष मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक धनरंजन त्रिपुरा व एसएसबी के जवानों द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जाँच की गई, रोग के अनुसार दवा भी दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आपको बता दें कि जहां एक समय था कि नक्सलियों द्वारा कैंप लगाया जाता था, लेकिन आज एसएसबी द्वारा कैंप लगाकर ग्रामीणों के बीच मुफ्त में दवा का वितरण किया गया। इस मौके पर एसएसबी के डॉक्टर हेम नारायण सिंह ने बताया कि करीब 150 लोगों की जांच की गई, जिसमें सरदर्द से लेकर बुखार, सर्दी जुकाम समेत कैल्शियम की दवा दी गई। इस मौके पर एसएसबी के ई कंपनी के डिप्टी कमांडेंट जय प्रकाश आर्य ने बताया कि नक्सली क्षेत्र के अत्यंत पिछड़े इलाके में कैंप लगाकर चेकअप के बाद रोग के हिसाब से निःशुल्क दवा दी जा रही है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने एसएसबी कंपनी के जवानों को धन्यवाद दिया कि पहली बार किसी ने निःशुल्क दवा दी है। इलाज कराने आए थे, क्या पता कैसे यहाँ पर आई कि यहाँ पे इलाज हो रही है, कैसे सब बोले गाँव वाला की इलाज हो रहा आए हैं देखाने, आए हैं देखावे। कौन आए हैं, किनके माध्यम से मिल रही दवा? एसबी के द्वारा से आए हैं बोले कि देखाने के लिए। क्या आपको दिक्कत थी? खांसी हो रहा था, कमर में दर्द। क्या पहले भी ऐसी सुविधा आप लोग को मिली है? नहीं। तो एसएसबी वालों को क्या आप बोलेंगी कि इस तरीके से निशुल्क कैंप आप लोगों को लग करके दवाइयां मिल रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगी उन लोगों को, धन्यवाद देना चाहेंगी? क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? क्या नाम हो आपका? मनोरमा देव। कहाँ की रहने वाली हैं? पनकारा। ठीक, चल लगा है। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ दवा निःशुल्क सेवा है और सभी जनता को निःशुल्क में दवा दिया जा रहा है। निःशुल्क में सभी को परेशानी जो है वो जांच करके दवा दिया जा रहा है। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ था। क्या कहना चाहेंगे एसएसबी को? बहुत अच्छा है कि हम लोग के ग्रामवासी को, गांव को, प्रखंड को मतलब इलाज हो रहा है, बेहतर इलाज हो रहा है, यहाँ आकर के गांव में इलाज हो रहा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जैसा कि माना जाता है कि नक्सल क्षेत्र है जी, तो क्या कभी ऐसी उम्मीद लगाते थे कि ऐसा भी होगा कि हमारे गांव में आके एसएसबी वाले आके कैंप करके दवा देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, नहीं होता था पहले भी नहीं, कि पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इनको? मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे गांव में आकर के चल करके अपने से और निशुल्क सेवा में सभी की इलाज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघुवीर कुमार, 11 नंबर से बात करता था। कौन गांव? पनकारा। तो एनसीपी कर रहे मेडिकल कैंप। क्या चीज़ को लेकर के कैंप, कैसे लोगों की जाँच हो रही है यहाँ पे? क्योंकि ये हमारा उधर डिपार्टमेंट से दे रहा है, उसका गांव को, उसका खराब बीमारी वाला को आपको उसका दवाई देना है, ट्रीटमेंट करना है, प्रोग्राम है। कैसे मरीज को? जो भी उसका डॉक्टर कोई कोई फीवर होता है, कोई उसका बीमारी का जो आदमी का जो डिपेंड होता है उसमें, उसके अनुसार दवाई देता है। ये कहाँ कहाँ कैंप लगाए जाएंगे और ये कितना हुआ कैंप है? ये हमारा ये डुमरिया कैंप है, हमारा एसएसबी का कैंप है। अभी हमें कौन सा इसके बाद फिर कहीं और लगाने का भी है? वो तो नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा, तब प्रोग्राम तो हर महीना महीना में आता है जी। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा एसएसबी देती है जो ही। ठीक, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।